लोगों से जुड़ने के लिए लोगों के साथ रहना जरूरी है और यही मंत्र है जो कुछ नेता अपना रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ है एनवायरमेंट मिनिस्टर और इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर, जो इस वक्त लोकल ट्रेन से मुंबई से पुणे तक का सफ़र कर रहे हैं। सर, ये सवाल उठाए जा रहे थे पहले भी कि दूरदर्शन को फ्री करने की ज़रूरत है और इसके लिए सरकार जो है कटिबद्ध रहेगी। आप जो भी नई सरकार लेके आए, इसमें क्या प्लान करेंगे? पहले तो प्रसार भारती एक ऑटोनोमस बॉडी है, लेकिन ये पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग दुनिया में अनेक तरह के हमने देखे हैं, तो एक प्रभावी रूप से जनता की पहली पसंद वो बननी चाहिए। आज अगर पहली पसंद नहीं बन रहे तो क्यों नहीं बनी है और कैसे बनेगी ये हम देखेंगे, ये हमारी प्राथमिकता है। इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के साथ आपके पास पर्यावरण का भी एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है, हालांकि हमने देखा है कि इस मंत्रालय की वजह से कई सारे पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अब फिलहाल रुके हुए हैं। हालांकि मोड ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट देखा जाए तो उसमें वक्त हो चुका है, लेकिन इस दौरान कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ठहरे हुए हैं। तो अब आप ज्वाइन कर चुके हैं, तो कितना वक्त लगेगा उन क्लियरेंस के लिए? मैंने मंत्रालय में आदेश दिया है कि जो भी लोगों के लिए पब्लिक प्रोजेक्ट्स है, वो प्रोजेक्ट जिसमें जनहित का मुद्दा है, निजी हित का मुद्दा नहीं है, ऐसे सारे प्रोजेक्ट जो पेंडिंग है उसको मेरे सामने रखो, क्या कारण है, हम तुरंत उस पर निर्णय करते जाएंगे, क्योंकि देश की तरक्की रोकी नहीं जा सकती। पर्यावरण की रक्षा भी होगी और देश का विकास भी होगा और दोनों साथ साथ कर सकते हैं, यह हम साबित कर देंगे। और एक इसमें महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि अब माइनिंग का विषय निकलता है तो माइनिंग की वजह से पावर सेक्टर कहीं ना कहीं परेशान है, उनको कोयला नहीं मिल रहा, तो अब क्या इसके ऊपर क्या अलग से आप कोई कमेटी गठित करें? कोयले का इतना अपार भंडार है और फिर भी हम 1,00,000 करोड़ का कोयला अगर आयात कर रहे तो ये बिल्कुल ही गलत हो रहा है, और इसलिए कोयला विभाग के साथ मेरी बैठक हो भी गई। पीयूष गोयल जी उस विभाग के मंत्री है, तो उन्होंने हमें लिया है और आगे चल के उन्होंने ये कहा है कि हमने जो प्रोजेक्ट हमारे डिपार्टमेंट में उनके पेंडिंग है, खासकर कोल इंडिया के, उसको कैसे आगे बढ़ाए, यह हमने विचार किया है और उसके आधार पर हम मंजूरी देंगे। महाराष्ट्र और मुंबई की बात करें, कल आप बीजेपी के यहाँ से एक शिष्टमंडल से मिले, उन्होंने कई सारी मांगें रख दी है मुंबई के बारे में। मुंबई एक इंटरनेशनल सिटी बनाने के लिए जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी ज़रूरत है। नहीं, निश्चित रूप से देखो, एक हमारे बीपीटी से रोड बना तो कितना लोगों को फ्रीवे बना तो अच्छा लगा, तो इस तरह से अगर कोस्टल से रोड बनता है, जैसे पहले पुल बांधा था तब भी पर्यावरण के लोग कुछ कहते थे, लेकिन वो पुल बांधा है और वरली सी लिंक अच्छी साबित हुई है, तो पेडर रोड का पुल हो, कोस्टल रोड हो, या फिर दूसरा मीठी नदी पर भी ब्रिज बांधना, उससे क्या पर्यावरण का नुकसान होता है, क्योंकि मीठी नदी हर नदी पर ब्रिज होता है, तो मीठी नदी पर भी ब्रिज होंगे ताकि यातायात का प्रबंधन अच्छा हो। सर, वेस्टर्न घाट का मुद्दा भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है पर्यावरण मंत्रालय के लिए, और उस जगह पर जो है बायोडाइवर्सिटी होने के कारण कई सारे प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं, तो हालांकि महाराष्ट्र गोवा से सटा हुआ इलाका है जो साउथ डाउन इलाका है, तो अब जबकि वेस्टर्न घाट बचाने की मुहिम बीजेपी ने भी छेड़ी थी, उसके ऊपर सवाल उठाया था, तो अब आप आगे जाके इस प्रकार इस पूरे मुद्दे को कैसे देखेंगे? वेस्टर्न घाट का माधवराव गाडगिल कमेटी ने रिपोर्ट दिया है, उनका कहना है कि वो विकास विरोधी नहीं है, लोगों का मानना है कि ये विकास विरोधी बन गया है, तो प्रत्यक्ष उसका अध्ययन हुआ है, कस्तूरीरंगन कमेटी का भी रिपोर्ट आया है, लेकिन जैसे मैंने कहा हमारी प्रतिबद्धता पक्की है, क्योंकि गरीबी पर्यावरण का सबसे बड़ा शत्रु है, और गरीबी हटाना है तो विकास करना है, और विकास करना है तो कुछ तो कार्बन का उत्सर्जन बढ़ेगा, लेकिन विकसित देशों ने इतना कार्बन उत्सर्जन किया, तो आज जो क्लाइमेट चेंज का जलवायु परिवर्तन की बात है उसके लिए वो जिम्मेवार है, लेकिन हम हमारी जिम्मेवारी भी समझते हैं, हम हमारी लिए वायु प्रदूषण कैसे कम हो, पानी का प्रदूषण कैसे कम हो, सॉलिड वेस्ट की अच्छी मैनेजमेंट कैसे हो, ये हम सब करेंगे हमारे लिए, लेकिन जो विकास को रोकने वाला कोई कहेगा तो वो नहीं मानेंगे, विकास होगा और पर्यावरण की रक्षा भी होगी। सर, आखिरी सवाल ये है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि रिपोर्ट कार्ड बनेगा हर मंत्रियों का और उसके ऊपर चर्चा होगी, तो किस प्रकार से इस रिपोर्ट कार्ड की चर्चा होगी, किस प्रकार से रिपोर्ट कार्ड बनेगा, इसके बारे में कुछ और जानकारी दी है प्रधानमंत्री कार्यालय से? नहीं, बिल्कुल साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को एक बहुत बड़ा जनादेश मिला है, और जनादेश इसलिए मिला है कि कुछ
निर्णय प्रक्रिया शुरू हो, देश का जल्दी बेहतर विकास हो और एक सुशासन स्थापित हो, और इसलिए हम सारे मंत्री उनके टीम का हिस्सा है और रिपोर्ट कार्ड बनना ही चाहिए, क्योंकि हर एक को अपनी जिम्मेवारी है, हर एक की जवाबदेही भी है। तो हमें जो विभाग मिले हैं उसके लिए हम जिम्मेवार हैं, जवाबदेही भी है, और हम इस पर खरे उतरेंगे। लोगों की और देश की जो अपेक्षा है, लोगों के बड़े जो जनसंख्या, जो आम आदमी है, उसके लिए ये काम करना है और हम काम करेंगे, इतना भरोसा हम दे सकते हैं। बिल्कुल, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, जिन्होंने साफ कहा कि सुशासन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होगा, उसके साथ साथ जल्द से जल्द कामों का निपटारा करना जो कि पब्लिक हित में है उसके ऊपर भी ध्यान रहेगा। कैमरा मित्र के साथ शीर्ष शिलार, डीडी न्यूज़, मुंबई।